नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड जिला में 19, दादरा नगर हवेली में 19 और दमन में 18 कोरोना के मामले हुए दर्ज। दादरा नगर हवेली में कोरोना आईएएस महिला ट्रेनी अधिकारी से लेकर सब जेल तक पहुंचा। वटार गांव में 2 युवकों के 50 फीट गहरे खाली कुएं में गिरने से हुई मौत। दीव में महिला के मृतदेह के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस और ग्रामजनों के बीच हुई गहमा गहमी। अब समाचार विस्तार में। वलसाड जिला में शनिवार के दिन कोरोना के और 19 केस पॉजिटिव दर्ज हुए। वलसाड जिला में शनिवार के दिन कोरोना के और 19 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। शनिवार को आए 19 केसों में से 4 वलसाड से, 1 पारडी से, 11 वापी से और 3 उमरगांव के विस्तारों में से है। इसी के साथ शनिवार को 14 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 187 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 315 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं 6 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 9 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। शनिवार को 3 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 177 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 225 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी है, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 1 व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 162 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 12 दादरा पंचायत में, 15 नरोली पंचायत में, 16 सामानवर्णी पंचायत में, 6 रखोली पंचायत में, 1 दपाड़ा पंचायत में, 2 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंधोनी पंचायत में, 5 कलुंडा पंचायत में, 4 साइली पंचायत में, 6 मसट पंचायत में, 5 सुरंगी पंचायत में, 3 कौंचा पंचायत में, 2 दुधनी पंचायत में, 1 अम्बोली पंचायत में और 80 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। दमन में शनिवार को 18 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में शनिवार को 18 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शनिवार को 10 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 143 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 297 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में शनिवार को 11 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 92 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 24 टाबेल में, 9 कच्चीगाम में, 4 तुनेठा में, 12 दलवाड़ा में, 5 पिंपोर में, 4 वरकुंड में, 3 देवका में, 2 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में और 29 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। दादरा नगर हवेली में आईएएस महिला ट्रेनी अधिकारी से लेकर सब जेल तक पहुंचा कोरोना। दादरा नगर हवेली में आईएएस महिला ट्रेनी अधिकारी से लेकर सब जेल तक कोरोना पहुंचा है। इसी के साथ मरीजों को अच्छा इलाज मिलते बड़ी मात्रा में ठीक हो रहे होने का अहवाल भी मिल रहा है। जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी दादरा नगर हवेली में अपना व्याप बढ़ा रही है। प्रदेश के अंतरियाल विस्तार से लेकर सिलवासा कलेक्टर कचहरी और अब सब जेल तक कोरोना ने एंट्री की है। इसी के साथ अच्छा इलाज मिलने से बड़ी मात्रा में मरीज ठीक हुए है। सिलवासा सब जेल में कैदियों को बस में बिठा कर कोरोना टेस्ट के लिए ले जाने में आए थे और जेल को सैनिटाइज करने की कामगिरी शुरू करने में आई है। इसी तरह कलेक्टर कचहरी में भी स्टाफ और आईएएस महिला ट्रेनी अधिकारी का भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया होने का पता चला है। कोरोना के 2 दिन में 50 केस हुए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क पहनने, लगातार हाथ धोने, गर्म पानी पीने की अपील की जा रही है, जो कि कोरोना के इलाज को लेकर ठीक होकर घर जा रहे मरीजों की मात्रा भी बढ़ी है। भीलड़वाला बैंक के कोरोना पॉजिटिव केस के मरीज वापी टाउन में अकाउंटेंट की फरज निभाते कामदार की इलाज के दौरान मौत। कोरोना महामारी में वलसाड जिला में दिन बर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, साथ ही में मौत के केस भी बढ़ रहे हैं। और पहले भी भीलड़वाला बैंक के जनरल मैनेजर सहित 4 स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसमें से 1 चपरासी पीनल भाई देसाई जो पारडी तसवाड़ा रहते हैं,
कोरोना पॉजिटिव केस की इलाज के दौरान मौत हुई थी और जिसके बाद भिलाड़वाला बैंक वापी टाउन में अकाउंटेंट के तौर पर फर्ज निभाते कामदार उमेश रामचंद्र गजरे को कोरोना केस में प्रथम इलाज के लिए वलसाड सिविल हॉस्पिटल में दाखिल किया था, जहां उनको योग्य इलाज ना मिलते ज्यादा इलाज के लिए वापी की निजी अस्पताल में ले जाने में आया था, जहां सांस लेने में मुसीबत होते गत रोज 24 जुलाई की रात को तबीयत बिगड़ते मौत हुई थी, जिसको लेकर बैंक सर्कल में शोक का माहौल छा गया था। दमन न्यूज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका। वटार गांव का खाली पड़ा कुआं दो युवक के लिए बना मौत का कुआं। पुलिस पीछा करते शराब छोड़कर भागे दो युवक का वटार गांव में 50 फुट गहरे खाली कुएं में गिरने से हुई मौत। वापी के वटार गांव में एक 50 फुट गहरे कुएं में से दो युवान की लाश क्रेन से बाहर निकालकर परिजन को सौंपने में आई थी। दोनों युवान दमन से कार में शराब भरकर निकले थे और पुलिस पीछा करते देख कार छोड़कर भागते वक्त कुएं में गिरे होने की जानकारी मिल रही है, जो कि टाउन पुलिस ने हादसे का गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। रात को 11 बजे दोनों युवान की लाश को बाहर निकालने में आई थी। वापी के वटार गांव में आए ब्रह्मदेव मंदिर के बाजू में डूंगरी फलिया में रहते विनोद भाई बालू भाई पटेल के घर के पीछे पानी पीना का खाली पड़ा 50 फुट गहरे कुएं में गुरुवार रात को 9:30 से 10 के बीच दो युवान गिरे थे, जिसकी जानकारी टाउन पुलिस को करते वह दो फायर की गाड़ी 108 एम्बुलेंस और
क्रेन लेकर स्थल पर पहुंचे थे, जहां से रात को 11 बजे दोनों युवान की लाश निकालने में आई थी। मृतक की पहचान वटार हलपति वास ब्राह्मण फलिया में रहता परेश रमेश हलपति, जिसकी उम्र वर्ष 40, और अकील उर्फ अशरफ नूर मोहम्मद वास्कर, जो मुंबई मलाड वेस्ट रहता होने की मिली थी। टाउन पुलिस ने हादसे का गुनाह दर्ज कर जांच शुरू की है। आगे कुआं ना दिखते दोनों मुंह के बल 50 फुट नीचे गिरे थे। इस केस में चल रही चर्चा के अनुसार मृतक परेश और अखिल गुरुवार रात को दमन से रिट्स कार में शराब लेकर निकले थे। उस दौरान गुजरात में प्रवेश करते ही कथित आर सेल के कर्मियों ने स्कॉर्पियो कार से पीछा करते वह कार लेकर वटर डुंगरी फरिया विस्तार में पहुंचे थे, जहां कार बंद हो जाते गाड़ी छोड़कर खेत की ओर दौड़े थे। आगे कुआं ना देखते दोनों मुंह के बल 50 फुट नीचे गिरे थे। गंभीर चोट पहुंचते दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। हादसे के बाद शराब भरी कार कहां गई इसकी जानकारी नहीं मिली। ग्रामजनों के बताए अनुसार रात को तेज गति से दो कार फलिया में आई थी। हाल टाउन पुलिस ने लाश परिजन को सौंप कर आगे की जांच शुरू की है। ये तो गाम लोगों ने बात ही सब हमने जानवा मिलू के कोई मतलब कोई पुलिस वाला कोई आवेला था अने ये लोगों कोई भगवा जाता कुओ एवं भयतड़िया कुओ हो तो ने जूनो पुराण हो तो मैं पड़वा थी लोगों ने बेने मृत्यु पामेला गाम लोग અમે હું ગયો ત્યારે મને એ રીતની જાણકારી એ લોકોએ ને પછી મારે જ્યાં પહેલાં જ પોલીસને જાણકારી દીધેલી મંબાવાળા આવેલા પેલા ફાયરવાળા ને પછી એ લોકોને ક્રેન બોલાવીને પછી બહાર કાઢ્યા પછી લોકોને પણ એ લોકો મૃત હાલા તમે જ મતલબમાં હતા એક ભાઈ તો નહીં ખબર પડી કે અમારા ગામનો જમાઈ હતો પરેશભાઈ હળપતિ કરીને એમનું મૂળ વતન તો નાની દમણ ડોરીના છે પણ અહીંયા જ વર્ષોથી અહીં જ રહેતા મતલબમાં અને પોલીસ આવીને પછી એ લોકોનું પીએમ માટે મોકલી આપ્યા એટલી ઘટના બનેલી। नागवा गांव के स्मशान में लोगों ने कोरोना के डर से महिला की मृतदेह का अंतिम संस्कार करने से विरोध किया। आखिर में मणांक बारा में अग्नि संस्कार किया। दीव के पणांक बारा में रहती 65 वर्षीय महिला का कोरोना पॉजिटिव आया था, पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। आज शनिवार को उनके मृतदेह को अंतिम संस्कार के लिए नागवा गांव के स्मशान ले जाने में आया था, पर गांव के लोगों ने स्मशान में अंतिम संस्कार करने के मामले विरोध किया था। ऐसे वक्त पुलिस और गांव के लोगों के बीच गहमा गहमी हुई थी और आमने सामने आ गए थे। बाद में महिला के मृतदेह को वणांक बारा में स्मशान में ले जाने में आया था और अंतिम संस्कार करने में आया था। इस अंतर्गत देव आरोग्य विभाग ने महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई होने का बताया था, पर आरोग्य विभाग के स्टाफ ने पीपीई किट के साथ अंतिम संस्कार क्यों किया, ऐसे सवाल लोगों में उठ रहे हैं। यह महिला लंबे वक्त से बीमार थी, पर कोरोना के लक्षण दिखते कोरोना टेस्ट करवाने में आया था और पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई थी। महिला के मृतदेह को वणांक बारा के स्मशान ले जाने के बजाय मलाला गांव के स्मशान ले जाने में आया, जिससे गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शित किया था। महिला के अंतिम संस्कार के वक्त पुलिस ने मीडिया को कवरेज करने से मना कर स्मशान से दूर रखने में आया था। इस साल रक्षाबंधन के आड़े आया कोरोना महामारी नामक ग्रहण। रक्षाबंधन के त्योहार को कुछ ही दिन बाकी है, तब पार्डी में कोरोना की महामारी से लोग परेशान हुए हैं, तो दूसरी ओर राखी के बाजार में कोरोना का ग्रहण दिखने को मिल रहा है। समग्र देश सहित वलसाड जिला में
कोरोना के केस दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है। बाजार में नई डिजाइन वाली राखियां आ गई है। फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर राखी के व्यापार में मंदी का माहौल दिख रहा है। तब नई वैरायटी में छोटे मास्क और डिजाइन वाली राखियां भी आई है। पार्डी के व्यापारियों के बताए अनुसार हाल कोरोना महामारी को लेकर व्यापार में मंदी का माहौल चल रहा है और जनता कर्फ्यू के अमल के साथ 4 बजे दुकानें बंद की जाती है और ग्राहक भी कम दिखने को मिलते हैं। बाजार में नई डिजाइन की राखियों में रुद्राक्ष, चंदन, डायमंड, फैंसी और छोटे बच्चों के लिए खिलौने में छोटा भीम, बेंटेन, डोरेमोन वगैरह की राखियां बाजार में आई है। पर हाल राखी के व्यापार में मंदी का माहौल छाया है। तब इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर कोरोना महामारी में बहनों में भी उत्साह दिखने को नहीं मिल रहा है। ત્યારે તહેવાર હમણાં છે ને રક્ષાબંધન ભાઈ બહેનનો ફંક્શન છે એમાં તહેવારમાં અત્યારે જે જોવા જાય તો કોરોનાને લીધે મહામારીની માર્કેટ અત્યારે બહુ ખરાબ પોઝિશન છે ને તમામ વેપારી લોકોની હાલત બહુ ખરાબ છે। એને કારણે અત્યારે કંઈ માર્કેટ કંઈ લાગતું નથી અને અમે બી રાખડીની બધી તૈયારી કરી છે એ પ્રમાણે કંઈ ધંધો લાગતો નથી અત્યારે બહુ ખરાબ છે અને રાખડીની જે ગ્રાહકી અત્યારે માર્કેટમાં હોવી જોઈએ એ રીતની નથી ને રાખડીમાં પણ અમે થોડું કલેક્શન સારું લાવ્યું છે એમાં રુદ્રાક્ષની છે, ચંદનની છે, ડાયમંડ છે, પછી બધી ફેન્સી વેરાયટી છે, ઇમિટેશન છે, જ્વેલરીમાં બી અમારી પાસે છે અને બીજા રમકડામાં બી છે વેરાયટી। પહેલાં છોટા ભીમ છે, બેન્ટેન છે, ડોરમેન છે, એ બધા રમકડા જાત જાતની રાખડીના છે અમારા પાસે અને જેવું જોઈએ તેવું જેમ જેમ તારીખ નજીક આવે એમ એમ કંઈ માર્કેટ છે નથી। અત્યારે કોરોના મહામારીથી બધા ફૂલ તકલીફમાં છે વેપારી। અત્યારે અમારી બહુ પૂરી ખરાબ હાલત છે અત્યારે માર્કેટમાં। હવે 4 વાગ્યાનો ટાઈમિંગ છે એમાં અમારો માલ નીકળે ન નીકળે પડ્યો રહે તે બી તકલીફ જ લાગતી છે કે આ વખતે કંઈ આવવાનું નથી અમારું મંદી એને માટે દેખાય છે કે ગામડાની કઈ પબ્લિક આવવાની નથી ને આવતી પણ નથી અત્યારે એને લીધે અમને બહુ તકલીફ પડે કારણ કે આ 4 વાગ્યાનો ટાઈમિંગ છે એ ટાઈમિંગને લીધે ગામડાની કોઈ તકલીફ પબ્લિક આવે નહીં એને કારણે બહુ તકલીફ પડે અત્યારે। હવે એવી કે આવતા અઠવાડિયામાં અમારી એવી આશા છે કે આ જાણું કંઈક ચાલશે થોડી ઘણી ગ્રાહકી ને ચાલવી જોઈએ એ રીતને અમારી બધી ગણતરી હોય અત્યારે। કોરોના મહામારીમાં જરૂરી ચીજો કે દામ આસમાન પર પહોંચતે ગ્રાહક કો મુસીબત। હાલ પૂરે દેશમાં કોરોના મહામારી સે લોગ પરેશાન હો રહે હૈ તો દૂસરી ઓર જરૂરી ચીજો કે દામ બઢતે ગરીબ સે લેકર સામાન્ય વર્ગ કે લોગો કો મુસીબત હો રહી હૈ ઓર પેટ્રોલ ડીઝલ કે બઢ રહે દામ કો લેકર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કા ખર્ચ બઢ રહા હૈ જો કે પારડી તહેસીલ કે સબ્જી કે વ્યાપારીઓ કે બતાએ અનુસાર કોરોના મહામારી કો લેકર લોકડાઉન મેં બહાર સે ગાડિયાં નહીં આતી જિસકો લેકર હર રોજ કે દામ મેં વૃદ્ધિ કમી હો રહી હૈ ઓર ક્વોલિટી બિના કા સામાન આને સે લોગો કો મુસીબત હો રહી હૈ। સબ્જી કે દામ મેં ટમાટર કે 60 રૂપિયે કિલો, બેંગન 40 રૂપિયે કિલો વગેરે દામ બાજાર મેં ચલ રહે હૈ ઓર સામાન લેને જાને નિજી ગાડી લેકર જાતે ભાડા બરદાશ્ત નહીં હોતા। સાથ હી મેં સબ્જી કે અલાવા અનાજ કિરાને કે વ્યાપારીઓને બતાયા કે સબ્જી જૈસે દામ બઢ રહે હૈ તો સામાન્ય ગરીબ વર્ગ કે લોગ चना, दाल जैसे कठोर की खरीदी कर रहे हैं। वह भी हाल 125 रुपये किलो के दाम से चल रहा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते और रोज़ जरूरी चीज़ों के दाम बढ़ते व्यापारी और ग्राहक भी कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। तो सरकार रोज़ की उपयोगी चीज़ों के दाम में कंट्रोल करे तो कुछ राहत मिल सकती होने का व्यापारी और ग्राहकों ने बताया था। अत्यारे तो लॉकडाउन परिस्थिति साधन सीमित थी गया है કંપનીઓ હોય કે પછી સરકારી નોકરીઓ કે ક્યાં પગારમાં ક્યાંક વિલંબિતતા જોવા મળી છે પરિણામે લોકોના જીવનનો ખર્ચ કરવા માટેની પરિસ્થિતિ ઉદભવી બજારમાં તમામ વસ્તુના આવશ્યક ચીજ વસ્તુના તમામ ભાવ સતત વધી રહેલા છે ના કારણે લોકોને જીવનનો ખર્ચ વધતો ગયો છે। આ સંજોગોની અંદર ક્યાંક સરકાર મદદ કરે તેવી જરૂરી છે। લોકડાઉનને કારણે અસમાનતા સર્જાઈ રહેલી છે તેના કારણે આ પરિસ્થિતિનું સર્જન થયેલું છે। ક્યાંક ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડીઝલ પેટ્રોલના ભાવો પણ સતત વધી રહ્યા છે એવા સંજોગોની અંદર ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ પણ વધી છે પરિણામે બજારના ભાવોમાં સતત વૃદ્ધિ થયેલી જોવા મળી। એક તો ગૃહિણીઓને પોતાના આવકના સાધનો મર્યાદિત હોવાના કારણે આ સંદર્ભમાં ત્યાં ખર્ચનું સમાયોજન કરવાની જરૂરિયાત પડે છે ત્યારે ખર્ચના પાસા ટૂંકા પડી રહેલા છે। અત્યારે શાકભાજીની પરિસ્થિતિમાં જોઈએ તો શાકભાજીની પરિસ્થિતિમાં શાકોના ભાવ સતત વધી રહ્યા કોઈ પણ શાક લેવા જાવ બજારમાં 100 રૂપિયાથી નીચેનું શાક જોવા મળતું નથી એવા સંદર્ભની અંદર ઓછી આવકવાળા સાધનોનું શાક છોડીને કઠોળ પર જવું પડે પણ કઠોળના ભાવો પણ સતત વધી રહ્યા એવા સંજોગોની અંદર નાના જીવન નાની વ્યક્તિઓ કેવી રીતે પોતાનું જીવન જીવે એ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન બની રહે છે।
सरकार पास मांग एवं है कि आवश्यक चीज वस्तुओं भाव है कंट्रोल में लेवा जाइए जेथी करीने लोकोने सरळताथी वस्तुओं प्राप्त थाय। अत्यारे कोरोना में अमे चाली रह्यो छे, शाकभाजीनो भाव खूब ज वधी रह्यो छे। टामेटा 40 रुपए किलो वेंगण छे, टामेटा 60 रुपए किलो वेंगण 40 रुपए किलो छे। मध्यम वर्ग माणस कोई तो घर चलाई सके छे। हवे नाना नाना छोकरा लईने कहाँ जाय छे, तो शाकभाजी सरकार थोड़ी घणी भाव राहत आपे एवी आशा करीए छे। तो कोरोना बची सकिए छे एवी भगवान पर प्रार्थना करीए छे। 7 वगे 4 वगे सुधी दुकान खुली रहे छे। अमे नौकरी करीए छे, शाकभाजी खरीदी अत्यारे आवी सके छे। तो तमे कोरोना लीधे शाकभाजी भाव ओछो थाय एवी करीए विचारीए छे। तो अमे शुं करीए छे, तो तमे सरकार थोड़ी घणी राहत आपे एवी आशा करीए छे। तो हवे शाकभाजी भाव ओछो थाय एवी अपेक्षा राखीए छे, एवी मारी भगवानने प्रार्थना। हमणा शाकभाजीना कोरोना महामारीना लीधे बहारथी गाड़ी नथी आवती, माल ओछाना लीधे भाव चढ़ उतर थता छे, पब्लिकने घणी तकलीफ थती छे। टामेटा कथे 40 रुपये वेचाता छे, कथे 50 रुपये वेचाता छे, कथे 60 रुपये वेचाता छे। ભાવના કંઈ ઠેકાણા નથી, રોજ 10-20 રૂપિયા ચઢ ઉતર થાય, કોઈ દિવસ 40 વાળા મળે તો બીજે દિવસ 60 રૂપિયા બી થઈ ગયેલા હોય, એટલે કંઈ ઠેકાણા નથી। આ મહામારીના લીધે ઘણી પબ્લિકને તકલીફ પડતી છે। જે માલ આવતા બધી જ વેરાયટી આવતી નથી, વેરાયટી આવતી છે નથી, ક્વોલિટી આવતી છે, અને ભાવના કંઈ ઠેકાણા નહીં મળે, એટલે તકલીફ તો છે જ, જો આ ક્યાં સુધી ચાલે કંઈ ઠેકાણા નથી। ખરીદી વેપારી એટલે તકલીફ તો પડતી જ છે। હવે કિલો લેવાવાળા 500 ગ્રામ લઈ જતા છે, 500 ગ્રામવાળા 250 ગ્રામ લઈ જતા છે, ખાવા વગર તો ચાલવાનું નથી, એટલે પોતપોતાની સગવડના હિસાબે પોતાની પરિસ્થિતિના હિસાબે બધા પોતાની ખરીદી કરતા છે। જે લોકલ વસ્તુ છે દેશી શાકભાજીમાં તેના તકલીફ નથી, પણ જે બહારથી માલ આવતા છે એમાં પ્રોબ્લેમ તો ઘણી જ છે। કેમ કે લાગતા વળગતા હવે ભાડું ડબલ થઈ ગયા, મેન્ટેનન્સ ડબલ થઈ ગયા, આ ડિસ્ટન્સના લીધે વધારે માલ નથી લેવાતું, વધારે માણસ નથી બેહાડતા, એટલે પર્સનલ ગાડી લઈને જવા પડે, એટલે ભાડું પણ મોંઘું પડે અને આપણને મેન્ટેનન્સ ખર્ચો બી ભારે પડે એમ, એટલે શાકભાજી પણ બધું લાગવાનું છે, એટલે એક વસ્તુના રૂપિયાની વસ્તુ એટલે 1-2 રૂપિયા 2 રૂપિયા થવાના જ છે। હવે સરકારના તરફથી તો હું આશા રાખી શકીએ આપણે, હવે જાત જાતે સમાચાર આવતી છે, પણ અમારે હજુ પાલન થતા નથી એમ। वापी से कोपरली गांव को जोड़ता मुख्य रास्ता हाल पहली बारिश में खस्ता होने से वाहन चालक परेशान। वापी से कोपरली गांव को मिलते मुख्य मार्ग की हालत पहली बारिश में ही खस्ता होते वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। हर साल बनते नए रास्ते की कटाई पहली बारिश में ही हो जाती होने की शिकायत हो रही है। वापी से कोपरली की ओर जाते मुख्य मार्ग पर 2 से 3 किलोमीटर के हिस्से पर बारिश की वजह से बड़े खड्डे हो गए हैं और कई रास्तों की कटाई होते मिट्टी उड़ रही है, तब वाहन चालक सहित स्थानीय लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ बारिश से पानी भर जाते वाहन चालक को रास्ते पर खड्डे ना दिखते हादसे होने के मामले भी सामने आए हैं, तब तंत्र तुरंत मरम्मत कराए ऐसी मांग लोगों द्वारा की जा रही है। મારું નામ દેવેન્દ્ર રાજપુરોહિત છે। અહીંયા છેલ્લા 5 વર્ષથી મારી આ માર્કેટમાં દુકાન છે। આ રોડ તમે જુઓ છો, એ રોડ છે ને દર ચોમાસામાં પહેલા વરસાદમાં ધોવાઈ જાય છે, દર ફેરે બને છે ને પહેલા વરસાદમાં ધોવાઈ જાય છે। અહીંયા રેસિડેન્શિયલ પબ્લિક બી બહુ છે, પ્લસ વરસાદમાં ખાડા એટલા પડી જાય કે અહીંયા એક્સિડન્ટના ચાન્સીસ બી બહુ બધા છે। રોડમાં દર વરસાદે ખાડા પડી જવાના અને એ બધી પબ્લિકને ત્રાસ બહુ છે। વરસાદમાં બનશે, વરસાદના પહેલાં થોડુંક બનશે અને પહેલાં જ વરસાદના છાંટા આવે કે આખો રોડ ધોવાઈ જાય છે। છેલ્લું અહીંયાથી લગાવીને ગાલા મસાલા સુધી, સ્કૂલથી લગાવીને ગાલા મસાલા સુધી બધા આખા ખાડા 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 જ જોવા મળશે તમને। ક્યારે બી આવો તમે તો આ રોડમાં પ્રોબ્લેમ જ રહેશે। 5 વર્ષથી આનું આ જ ચાલે છે, કંઈ નવું મળતું નથી આમાં। સમાચાર સમાપ્ત કરીને સે પહેલે એક નજર આજની સુર્ખીઓ પર। वलसाड जिला में 19, दादरा नगर हवेली में 19 और दमन में 18 कोरोना के मामले हुए दर्ज। दादरा नगर हवेली में कोरोना आईएएस महिला ट्रेनी अधिकारी से लेकर सब जेल तक पहुंचा। वटार गांव में 2 युवकों के 50 फीट गहरे खाली कुएं में गिरने से हुई मौत। दीव में महिला के मृतदेह के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस और ग्रामजनों के बीच हुई गहमा गहमी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब
मैं छीनूंगी तुमसे नहीं छीन। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है। वो खुश है, वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की उसमें मैं हर तरह से उसके साथ। प्यार निभाने के तीन अनदेखे अंदाज कसौटी जिंदगी की सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat two? Three teams. That's big. That's massive. Two halves. One match. Bowden has got one. A format you have never seen before. What a magnificent night this has been. Like literally, you've never seen it before. It's new. And the last batter stands. This format. Who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.